हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू मम्मी की तबीयत। जैसा कि पिछला व्लॉग डला था और बहुत ही हमारे फैमिली मेंबर्स का भी कॉल आने लगा था कि क्या हुआ है मम्मी को, ऐसे ही चिंतित हो गई मैं। और जैसे ही मैंने व्लॉग देखा, इन्हें कॉल किया और मैं तो यहाँ आ गई। गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि हमारा घर ना ऐसे लगता है हाईवे पे है क्योंकि मेन रोड से जस्ट दूसरा घर ही है, तो थोड़ा इधर उधर जो गाड़ियां चलती रहती हैं उसकी आवाज आती है। तो मैं आ गई कल ही, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ठीक है, जब ऐसा हो जाता है ना कि कुछ तबीयत वबीयत खराब हो लोगों की तो कैमरा नहीं दिखता तो गोलू ने वो भी 6 मिनट का व्लॉग इसीलिए बना क्योंकि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया उसने, जितना पॉसिबल ही हो पाता है। यहाँ है मम्मी, मम्मी इज ऑल वेल नाउ। सबने मुझे अच्छे से विश किया, मतलब प्रे किया है, मैं बहुत ठीक हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी, एक तो मम्मी की तबीयत खराब ही है और वो चीज हम बता नहीं पा रहे हैं वीडियो में कि क्यों खराब है, क्या खराब है। बहुत बड़ी सी एक बीमारी हो रखी है मम्मी को। यस, मम्मी को हो तो रखी है और उस हेल्थ के साथ, उस हेल्थ के साथ कथी कही थी, मैं उस हेल्थ के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट रहती हूँ रोज, वो तो ठीक है, लेकिन उस हेल्थ के साथ इन्होंने इतना सारा काम किया था तो इफेक्ट तो होना ही था। मैं कितना भी समझा लूं, मम्मी छोड़ दो, अच्छा, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। हर दिवाली सफाई करते ही थे, इस छोड़ दो, हेल्थ ठीक होनी चाहिए पहले। कुछ नहीं करती अब, कुछ नहीं किया है क्योंकि किया ही नहीं जाता, और किया नहीं जाता क्या, मगर मैं ये कहूंगी मैं सही हो गई, ये भी आ गई, आप लोगों ने इतना प्रे किया, मैं फिट हो गई ठीक। वो सारी बात ठीक है, लेकिन स्टिल इन्होंने कितनी चादरें रोई थी ये तो आपने देखा ही था। मुझे इवन मशीन तक नहीं लगाना आता और ये मशीन तो अब लगाने लगी है, छत पे रख दिया है उसको क्योंकि हाथ से धो लेती थी। मुझे ना इजी लगता है हाथ से धोना, अब ऑटोमेटिक मशीन मंगाएंगे, डालो उसमें और सिर्फ सूख के कपड़े बाहर आए और आप फैला दो। बेटा सही, 2-3 चादर ऊपर ही, कोई बात नहीं, वो सारी चीजें उसको ऊपर ही रहने दो। चादर ले आओ तो ले आएंगे। धुली हुई है क्या? हाँ, सूख रही है तब तो ले आऊंगी, मुझे लगा कह रही है धोने के लिए। मैं तो बिल्कुल नहीं, अपने घर में कपड़े नहीं धोती हूँ, यहाँ भी कभी मुझसे काम करवाती थी कपड़े धोना है नॉल। न कब ऐसा ध्यान भी नहीं है, उस दिन से वो चादर ऊपर ही। कोई बात नहीं, मामी लाई थी, कह रही थी ना कि कुछ, मामी का बहुत सपोर्ट था उस दिन, बहुत ही अच्छे से आके चाय वाय पिला दी, थोड़ा काम इधर उधर का हो गया, देख लिया उन्होंने। और गोलू अपना बेचारा जितना हो पाता है करता है, नाश्ता बना लेता है, ब्रेड व्रेड ले आता है खा लेता है, कोई बात नहीं। मुझे ना किसी ने समझाया था कि आपकी लाइफ में ना 3 फेजेस आते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। आप समझो ये आपकी लाइफ का क्रिटिकल फेज है जो कि आपको बहुत ही इजिली बहुत अच्छे से क्रॉस करना है, फिर वो बहुत अच्छा भी आ जाएगा जैसे पहले था, है ना। तो इतना ज्यादा मत सोचो, जो हो रहा है होने दो, जो कृष्ण जी ने लिखा है ना वो तो होके ही रहेगा। तो कान्हा जी ने जो लिख दिया है उसके साथ हमें, उससे लड़ना नहीं है, उसके साथ बस हमें क्या करना है, रोल प्ले करना है। हम तो कैरेक्टर है इस लाइफ के, है ना। बस तो मेरा फोन, शायद मेरा फोन बज रहा है, किसका है? तो हमारे पति देव का फोन है, तो अभी बात करती हूँ मैं। देखो बीमार है और ये उठ के आ गई है किचन में भी, इसलिए आ गई हूँ। कल बेटी ने बहुत कुछ किया, उसको हाँ। कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ पे क्योंकि अपने किचन की आदत हो गई, देखो किचन की हालत दिखो। मैंने कुछ नहीं ज्यादा किया, दाल इन्होंने ही बॉईल कर ली थी, तड़का लगा दिया बस और रोटी बनाई थी। और प्रियंका दीदी आई हैं, बर्तन साफ कर रही हैं। हेलो बोलो एक बार। हेलो बोलो, हेलो बोलो नहीं शर्मा रही है, ये शर्माएगी। अब इसकी बहन है ना, बहुत उसको तो आप पसंद हो, टिकटॉक पसंद है, इंस्टा चलाती हूँ, सब पसंद है, तो ये शर्मा रही है, बाकी वो अच्छी है। शर्मा रही दीदी
तो चलो हम चलते हैं। बोलो डोलू, ये नंगू पुंगू है। ठीक है, मम्मी की जैसे तबीयत कल खराब थी तो ये हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फेसबुक वाले बाबा हमारे छोटे नाना है, मतलब मेरे छोटे नाना है। तो छोटे नाना हेलो बोलते सभी हेलो। और छोटे नाना के पास एक रिक्वेस्ट आई है, हमारी एक सब्सक्राइबर है वर्षा, तो उन्होंने कहा है कि साक्षी को कहना मेरा नेम लेने के लिए। और ये बहुत ही पुरानी पेंडिंग रिक्वेस्ट ही टाइप की है जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आई एम सो सॉरी वर्षा। एक्चुअली सोनम ठाकुर, ऐसे बोलो। वर्षा सोनम ठाकुर। तो होता क्या है, ये तो बता देते हैं मुझे, अब मैं नाम ही नहीं याद रह पाता है मुझे, या फिर मैं भूल ही जाती हूँ। आज नाना आए, आज इन्होंने फिर से वही बात रिपीट की कि आपने अभी तक नाम नहीं लिया। मैंने कहा आज नाना आप ही नाम बताओगे मुझे, मैं लूंगी। और वो मुझे बहुत फॉलो करते हो आप, ये बता रहे थे। और मेरी ड्रेसेस आपको बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं यहाँ वस्त्र लोग से ही लेती हूँ, वस्त्र लोग से ही, शालीमार से ही ड्रेसेस लेती हूँ, अपने सूट जितने भी आप देखते हो। वरना सारी शॉपिंग मेरी चांदनी चौक की होती है, जो भी ऑनलाइन होता है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ लिंक्स। तो मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती है, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉम्प्लीमेंट। और आप भी अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, यहाँ आओगे कभी तो नाना से भी मिलो। कहाँ रहते हैं? गुड़गांव आने वाली है। ओके, तब तो आप हमें बुलाओ गुड़गांव। अच्छा, हम आएंगे और कहीं एंजॉय करेंगे, मीटअप करेंगे, सब आदमी मिलके ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, सब आदमी मिलके ब्लॉग बनाएंगे। तो इस ब्लॉग को अगर आप देख रहे हो तो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपका कमेंट पिन कर दूं। ठीक है नाना जय। था ये बताओ पहले डायलॉग था कि प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है लगी कि तो आपका ही भाई होना दीदी भाई होना। जी अलीगढ़।